ये जो 9 जून 2024 को थाना ब्रह्मारा में 83/24 नंबर जो मुकदमा दर्ज हुआ था, जो धाराएं थी उसमें 302, 452 और 24 के लिए दर्ज हुआ था मुकदमा, और जिसकी जो है जांच घटनास्थल पर भी की गई है, और वहाँ पर जो है घटनास्थल पर उसकी जो है फॉरेंसिक साइंस के जो विशेषज्ञ थे उनके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण हुआ है। डॉग स्क्वाड भी हमने जो है वहाँ पर मौका पर रखा था, और आरोपियों की धर पकड़ के लिए जो है हमने वहीं घटनास्थल से स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमें कोई एक जो स्थानीय जो था वहाँ पर भूरा राम, इस पर थोड़ा शक हुआ था और इसी से ही जांच वाले बढ़ाया। नेक्स्ट डे जो है 10 जून को भूरा राम के दो साथी जो हैं, जिसमें संजय कुमार और एक सुमन कुमार, ये सुमन कुमार अर्की क्षेत्र से जो कंदर का पाया गया है, और दूसरा मनोज है ये खारसी क्षेत्र का है, और मनोज के विरुद्ध तो अभी काफ़ी मुकदमे जो है दर्ज, इससे पहले 12-13 मुकदमे के खिलाफ अभी तक अलग अलग थानों में दर्ज है, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद जो है इनसे जो रिकवरी पार्ट था वो सारा जो है इन्हीं तीनों के द्वारा, इन्होंने जो घटनास्थल वाले तीन जो है घटना पे इन्होंने पहले इस वारदात को अंजाम दिया, दोनों का पति पत्नी का जो इनके जो नाम पता यही थे कि मुतलाल की जो लगभग 73 वर्ष के थे और 65 वर्षीय जो कमला देवी उनकी पत्नी थी, ये दोनों जब गौशाला में जो गौएँ थी वहाँ पर उनको जब अंदर गौशाला में बांध रहे थे, तो उस समय कमला देवी पर भूरा राम ने आक्रमण किया, अटैक किया और उसे पहले कमला देवी का कत्ल किया, उसके बाद जो भूरा राम का कत्ल किया, तो इसमें लगभग सारी बरामदगी हो गई है, ऑफेंस ऑफ वेपन भी इसमें कवर कर लिया है, और ये जो तीनों आरोपी है ये कल तक अभी पुलिस रिमांड पे हैं और कल और पुलिस रिमांड कर लिया है। इन्होंने कहानी बनाई थी, वैसे जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि ये प्लान इन तीनों ने पहले ही बना कर रखा था, और ये भी खुलासा हुआ है कि इसको ये जो घटना थी ये लूट की घटना थी, लूट के लिए जो इन्होंने जो ये तिथि जो निर्धारित की थी वो एक बार तो इन्होंने 1 जून की थी, लेकिन 1 जून को जो हिमाचल प्रदेश में जो आम चुनाव थे उसका जो पोलिंग डे था, और पोलिंग डे में जो ये मृतक जो दंपत्ति है इनके जो बड़े वाले पुत्र थे संजय, वो उस दिन जो वोटिंग के लिए आया था, और भूरा राम को इस चीज़ का एहसास हो गया था कि आज जो है संजय यहाँ घर पे हैं, तो उसके लिए उन्होंने इसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया। जब लास्ट दिन जो है जो डी डे इनका था रात को, तो उस समय भी इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ भूरा राम पहले खारसी जाता है, खारसी से जो है मनोज कुमार को जो उसको साथ लेता है, फिर कंदर जाता है, और कंदर से जो है जो ये दूसरा था ये सुमन कुमार सनोज कुमार राम ये इसको लेकर के आता है, और ये तीनों का जो हमने इसको एनालाइज किया, सबसे पहले तो भूरा राम का जो फ़ोन था भूरा राम की पत्नी का था जो इसकी जो उसकी मिल से यूज कर रहा था, तो उसकी जो हम लोकेशन पाई गई तो उस दौरान जो है वो उसी क्षेत्र में थी, जब ये घटना जो हमने जो इसको जो प्रिडिक्ट किया था कि ये घटना रात को 10 बजे के आसपास हुई है, तो ये 10 बजे के आसपास ये उसी स्थान पर ये पाया जाता है, और बाकी साथी भी इसके उसी जगह में मिलते हैं, तो इससे जो यही था कि ये पहले खारसी गया, खारसी के बाद ये कंदर गए, कंदर से जो है तीसरे साथी को लेकर के आए, तीनों एक ही मोटरसाइकिल पे इन्होंने जो है सफ़र किया है, और जुखाला तक जो है अंजाम के बाद जो है जुखाला तक आया, जुखाला में अपने दोनों साथियों को मनोज को और इसे सुमन को जो है वहाँ पर
इसमें छोड़ा है और उसके बाद ये वापिस जा कर के फिर अपने घर चला गया था। इन्होंने भान्या तो जो अभी इन्वेस्टिगेशन में जो ये पाया गया है और इनका भी कथन है कि उसके लिए जो है ये जब ये दोनों साथियों को लेकर के आ गया और इसने ये खुलासा किया कि ये जो खाला में मुख्य जो सड़क है जो हाईवे है वहाँ पर इसने जो है भूरा राम ने मनोज को और दूसरा जो इसका सुमन था वहाँ पर छोड़ा था ट्रक में आगे जो चंडीगढ़ जाने के लिए। तो लेकिन जब ये घटना स्थल के पास आते हैं क्योंकि घटना स्थल एक ऐसी जगह है कि अगर इन्होंने जुखाला आना था तो ये शॉर्टकट पे जुखाला आ सकते थे लेकिन इन्होंने 3-4 किलोमीटर के घेरे से ये वहाँ पर आए और जैसे इसके बाद इन्होंने जो है अपना जो मोटरसाइकिल वो सड़क पे खड़ा किया। सड़क से लगभग 40-50 मीटर की दूरी पर सबसे पहले इसका भूरा राम का घर आता है, ये अपने घर जाता है और घर से एक दराट जो है हाथ में लेकर के और साथ में एक रेंच भी लेकर के जाता है और दोनों साथियों को लेकर के एक कवर स्टोरी बनाते हैं जा करके जो मृतक दंपत्ति है उनके घर जा करके एक कवर स्टोरी है इनके पास कि ये दो गाय के व्यापारी और ये दोनों इन्होंने जो है गाय खरीदनी है। साथ ही अपने को ये कहता है कि मैं जो है इनका जो पानी है पानी की पाइप से जो है पाइप उसको ठीक करनी है तो इसीलिए रेंच भी रखा था और दराट भी रखा था लेकिन उसका यूज इसने कतल के लिए किया।